हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और आशा करती हूँ कि बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और ये उसी के बाद का वीडियो है। लास्ट टाइम आपने देखा था हमारे यहाँ एक स्पेशल नाश्ता आया था, खस्ता कचौड़ी और समोसे और बेसन के लड्डू का नाश्ता किया था। बस ये उसके बाद का वीडियो है। नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और बाहर का व्यू मैं आपको शुरू करती हूँ दिखाने से, कितना मनोहर व्यू है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ डिनर में अंडा करी बनाऊँगी। और आज बनेगा हमारे यहाँ कढ़ी बनेगी। तो जो कढ़ी बनेगी ना, वो बनेगी बूंदी वाली कढ़ी। आज मतलब आज थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। पकौड़े वाली तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ काफ़ी बार, पर आज मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी वाली कढ़ी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। पकौड़े फ्राई करने का कोई मतलब ही नहीं, तो टाइम बहुत बच जाता है। तो अंडे मैंने उबालने को चढ़ा दिए हैं, देखिए कुकर में, उसमें 2-4 सीटी आएगी तो मैं बंद कर दूँगी। और इधर मैंने बड़े से बोल में ले लिया है बेसन, दही, और उसको खूब अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी, नमक, मिर्चा, ये सब जो मसाले होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी कढ़ी बनाऊंगी आज मैं, जल्दी वाली। तो नाश्ता अच्छे से हो गया, खस्ता कचौड़ी, समोसे, बेसन के लड्डू, चाय वगैरह सब पी लिया है। बस ये उसके बाद का ही आपको मैं दिखा रही हूँ व्यू। और आपको पता होगा जब नाश्ता आ रहा था बाज़ार से, नाश्ता खस्ता कचौड़ी, तो मैंने बैठ के सारी की सारी कटिंग करी थी, जिसका वीडियो लास्ट में आपको दिखा होगा। सब कुछ दिखाया था आपको कि बहुत सारी कटिंग करी है, अंडा करी की कटिंग करी थी, ये कढ़ी की कटिंग करी थी, इन सब की कढ़ी सब कुछ कटिंग करके मैंने रख ली थी। तो बस अब खाली मेरा काम है छौंकना। तो एक तरफ अंडा चढ़ा हुआ है और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें मस्टर्ड सीड्स डाला है और कढ़ी पत्ता डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, और उसको मैं तड़का लगा रही हूँ। तो बस ये देखिए तड़का लग गया है। और जो मैंने बेसन का घोल घोला था ना आपको, या भी अभी दिखाया था आपको, ये देखिए ये डाल दूंगी। तो खूब सारा दही लिया है और बेसन थोड़ा कम लिया है। तो ये रेशो रखेंगे ना आप, बेसन कम रखेंगे और दही ज़्यादा रखेंगे तो कढ़ी बहुत मस्त बनती है, बहुत ही अच्छी खटास आ जाती है। और अच्छा खासा पानी डालना है, ये देखिए, ये तो कढ़ी बहुत गाढ़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो बस आज का हमारा डिनर, तो मैं बना रही हूँ अंडा करी, और बनाऊंगी अंडा करी तो बनाऊंगी मैं रात में, लेकिन मैं अपने और मम्मी के लिए, जो कि हम दोनों वेज हैं, तो वो बनाऊंगी मैं अमृतसरी बड़ी और आलू की सब्ज़ी। और दिन में बन रहा है कढ़ी और बैंगन का भरता। तो ये देखिए बैंगन के भरते के लिए मैंने साइड में एक और कढ़ाई चढ़ा दी है, और प्याज जो कट करके रखा था वो भी देखिए मैं डाल दूँगी तड़के के लिए, बैंगन के भरते के लिए, ये देखिए। तो ये देखिए, तो अभी हम लोग आए थे अमृतसर से, आ ही गए हैं, मम्मी को सब शॉपिंग दिखा दी, आपने देखा हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करा। तो बस ये उसके बाद का दिनचर्या शुरू हो गई है, फिर से घर के कामों में ढल गया है मामला। और ये देखिए खूब सारी बूंदी कटोरा भर के मैं कढ़ी के घोल में डाल दूँगी। जब कढ़ी के घोल में उबाल आने लगेगा ना, तब आपको ये बूंदी डालनी है। तो है ना सिंपल सी कढ़ी, देखिए पकौड़े फ्राई करने का कोई मतलब ही नहीं, प्याज काटने का पकौड़े के लिए कोई मतलब ही नहीं, जल्दी से बन जाती है। और सच मानिए अच्छी बनी थी, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बूंदी की कढ़ी खा रहे हैं, बना भी रहे हैं, खाएंगे भी। सुना था कि लोग बूंदी की कढ़ी बनाते हैं लेकिन कभी बनाई नहीं थी। तो बैंगन पहले ही मैंने भून लिया था जब मैं सब कटिंग वगैरह कर रही थी, आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में, तो बैंगन सब पहले ही भून के रख लिया था। तो बस अब प्याज टमाटर डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है, और अपने बेसिक सूखे मसाले जो होते हैं वो डाल दूँगी। तो बैंगन का भरता बहुत टेस्टी लगता है और बनता भी बहुत अच्छा है। और मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, ये वही बैंगन है जो शोभा मौसी दिल्ली से लाई थी, तो काफ़ी सारा लाई थी, तो काफ़ी बना भी लिया बैंगन का भरता। और ये देखिए बचा हुआ भी था, तो ये एक और मैं बना रही हूँ, ये देखिए। बैंगन का भरता ऐसा है कि सबको पसंद आ जाता है, सब लोग खाते हैं। बैंगन वैसे ना खाएं लेकिन भरते के रूप में सब लोग खा लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप कढ़ी भी कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है, ये देखिए दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। तो मेरा धीरे धीरे काम निपट रहा है, तो बस अंडा करी मेरी बाकी है और बाकी है मेरा अमृतसरी बड़ी और आलू। तो बैंगन का भरता बन गया है, देखिए फ्लफ़ी फ्लफ़ी कितना टेस्टी सा लग रहा है। इसको मैं खाली कर दूँगी भगोने में, ये देखिए। तो धीरे धीरे सब काम निपट रहा है। और ये देखिए अभी अंडे भी मेरे उबल गए हैं, बस इनको भी छील लूँगी मैं, ये देखिए अंडे छील लूँगी। तो सोचा था कि जब अमृतसर से अजमेर आऊँगी तो सबके लिए अंडा करी बनाऊँगी, चाचा है, भैया है, हस्बैंड अवनी, तो वही सोच के सब आई थी मैं, प्लानिंग दिमाग में चल रही थी। और अंडे को छील के ना इसमें 2-3 चीरे लगा दूँगी, जिससे कि जो मसाला है वो अंडे के अंदर भी जाए, ऐसा ना हो कि मतलब मसाला ऊपर ही रह जाए और अंडे के अंदर खाली खाली लगे।
तो ये कढ़ाई चढ़ाई है, मेरा कढ़ी बन गई, भरता बन गया, दो काम मेरे निपट गए। अभी डिनर का अंडा करी भी मैं अभी बना के रख दूँगी, क्योंकि शाम को हो सकता है हम लोग फिर कहीं जाएँ तो आने के बाद बड़ी मुश्किल सी हो जाती है, तो अभी मैं अंडा करी भी बना के रख दूँगी। तो ये देखिए, अंडे के लिए अंडे मैंने उबाल तो लिए थे ना, इसमें चीरा लगा लिया था, अब इसको मैं एक फ्राई मारूँगी। फ्राई बहुत ज़रूरी है, अंडा करी बनाने से पहले अंडे को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो जब फ्राई के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें अंडे डाले और थोड़ा सा हल्दी डाल दी, तो अंडे का कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए कितने बढ़िया मस्त अंडे फ्राई होके निकाल रही हूँ मैं, ये देखिए। तो प्लानिंग पहले से ही थी कि मैं ये बनाऊँगी जब अजमेर पहुँचूँगी, तो वही है कि सब प्लानिंग दिमाग में होनी चाहिए, उस हिसाब से सब सही रहता है। और ये देखिए, सब कुछ कटिंग करी भी रखी थी पहले ही, सुबह ही सुबह कर लेती हूँ मैं उठ के। मैंने जैसा बताया आपको, कटिंग की सबसे मेन है, कटिंग कर ली तो मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो प्याज डाल दिया है बारीक काट के, ये देखिए प्याज को मैं भून लूँगी, ये देखिए अच्छे से इसको भून लेंगे। और शाम को कहाँ जाऊँगी मैं, सब कुछ आपको बाद में बताऊँगी। और ये है सुहाना का मीट मसाला, तो ये ला के मैंने 10-10 के पाउच रख दिए थे। ये भी मुझे शोभा मौसी ने ही आइडिया दिया था कि रचना सुहाना के मसाले लिया करो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है, तो उन्हीं से मुझे आइडिया मिला ये। तो मैं 10-10 के पाउच ले आई थी, छोटे छोटे से अच्छे रहते हैं। और ये मैं लहसुन कूच रही हूँ, छील मैंने पहले ही लिया था, तो बस इसको मैं कूच लूँगी अधकच्चा सा, ये देखिए। और इसमें डाल दूँगी बैंगन के जो प्याज हो रहा है ना, इसमें डाल दूँगी। तो सब कुछ आइटम्स बहुत टेस्टी बने थे। अपनी बोल रही थी मम्मा अंडा करी बहुत ही टेस्टी बनी है, इवन कड़ी के लिए भी उसने कहा था बहुत टेस्टी बना है, तो सब पसंद आया था सब कुछ सबको, ये देखिए। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जो भी बेसिक ड्राई मसाले होते हैं अपने अंडा करी के लिए, और सुहाना का मसाला भी डालूँगी, लेकिन हिसाब से, क्योंकि अवनी तीखा नहीं खाती है, तो थोड़ा सा डालूँगी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए सुहाना का मीट मसाला है, ये देखिए थोड़ा सा ही डाला है, बचा ही थोड़ा सा था, बाकी मैंने किसी और चीज़ में डाल दिया था, तो थोड़ा सा ही बचा था, तो वो भी मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। और थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि मसाला जल ना जाए। और ये देखिए अंडे भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो ज़बरदस्त अंडा करी का कलर आया था, और स्वाद अवनी बोल रही थी अच्छा ही बना था, उसको तो अच्छा लगा था। और एक तरफ मैंने अंडा रख दिया है कढ़ाई, अंडा थोड़ा थोड़ा मसाले के साथ भून रहा है। और मैंने बताया ना आपको, मैं अमृतसरी बढ़िया लाई थी काफ़ी सारी, तो काफ़ी सारी चाचा को रखा दी, वो बनाते रहेंगे जब हम लोग मुंबई चले जाएंगे, और कुछ हमने मुंबई के लिए भी रख ली हैं, तो उनमें से ही मैं कुछ बढ़िया आज बनाने जा रही हूँ हम वेज वालों के लिए, आलू और अमृतसरी बड़ी, और नॉन वेज वाले ये अंडा करी खा लेंगे और थोड़ी सब्जी भी ले लेंगे। तो यही प्लानिंग थी। तो देखिए मेरा काम सब कुछ पहले से करके प्लानिंग करो, कटिंग वटिंग कर लो, तो सब कुछ जल्दी आराम से हो जाता है। तो देखिए कुकर ले लिया है मैंने, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, तो बस ये लास्ट सब्जी है मेरी, फिर मेरा मैं निपट जाऊँगी, सब कुछ मेरा काम हो जाएगा, फिर आराम से बैठूँगी, बातें बातें करूँगी मम्मी से, और थोड़ा अपनी एडिटिंग भी करूँगी। तो ये देखिए प्याज डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल में, और इसके बाद प्याज भुनने के बाद ये टमाटर और हरा मिर्चा भी डाल दिया है, अभी ये आराम से भुनेगा, ये देखिए इसको मैं चला दूँ। अच्छा मसाला भुन गया है, और ये बड़ियाँ तोड़ दी हैं मैंने, बहुत बड़ी बड़ी जॉइंट बड़ियाँ होती हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा, और मसाले के साथ इसको खूब भूनना ही पड़ेगा, नहीं तो इसको पहले भी आप तल सकते हैं। एक्चुअली ना ये बड़ियों को पहले तल के निकाल लेना चाहिए था मुझे, ये थोड़ी गलती हो गई। और अब इसमें मैं आलू डाल दूँगी, तो बड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा चार टुकड़ों में, तब अच्छा होएगा, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ियाँ आप कैसे खाएँगे ना सब्जी में। और ये थोड़ा सा सुहाना मसाला बचा था, इसको भी मैंने डाल दिया है। और सुहाना मसाला डालने के बाद इसमें बेसिक जो ड्राई मसाले होते हैं वो बस आप डाल दीजिए, और 2 से 3 सीटी दे दीजिए, आलू अमृतसरी बड़ी बनके रेडी है। और अच्छी बनी थी, टेस्टी टेस्टी लग रही थी, बड़ियों का टेस्ट अच्छा था, तो वहाँ तो ये मशहूर ही है अमृतसर में, तो इसलिए मैं ले आई थी। और कचरी पापड़ जो लाई हूँ वो मम्मी शाम को तलेंगी चाय के साथ, तो वो भी हम लोग खाएँगे सब लोग मिल के। तो ये देखिए मेरी लास्ट सब्जी आज की बन के रेडी है, डिनर का भी सब सामान रेडी है, लंच भी सब रेडी है, तो शाम को अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं जा सकती हूँ, और फिर आराम से घर आके फिर चाय पियो बैठो, ऐसे अच्छा रहता है, नहीं तो आके लगे हुए हो काम में किचन में, वो फिर अजीब सा लगता है।
तो इसलिए ये सब कुछ मैं पहले से ही करके रख रही हूँ। और गर्मी का बहुत बुरी हालत है, आप देख सकते हैं हम लोगों की हालत गर्मी में कैसी हो रही है। बस मटके का ठंडा ठंडा पानी पीते रहते हैं पूरे दिन, और मटके का इतना पानी बढ़िया लगता है ना, बस मन करता है पीते ही चले जाओ, मन ही नहीं भरता है पानी पीने से। और ये देखिए बस। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, व्लॉग देखते रहिए। बाय।